हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मुस्कान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या 360। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करंट अफेयर्स से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस एंड आंसर्स और उनसे रिलेटेड थोड़ी बहुत डिटेल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में पास दिए गए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियोज आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप अपडेटेड रहेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में शौकत कैफी का निधन हुआ, वह किस सिनेमा की अभिनेत्री थी? तो मैं आपको बता देती हूँ, इसका उत्तर है हिंदी। 23 नवंबर को अभिनेत्री शौकत आजमी का निधन हुआ। उन्होंने बाजार, उमराव जान तथा सलाम मुंबई जैसी फिल्मों में कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 2, 2018 के लिए बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका जवाब है मनीषा कुलश्रेष्ठ को। राजस्थान की लेखिका मनीष कुलश्रेष्ठ को 2018 के लिए बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान उनके उपन्यास स्वप्रकाश के लिए प्रदान किया गया। यह पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहार के नाम पर रखा हो गया है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सुर्खियों में रहा बेगनविला किस देश का प्रांत है? तो इसका उत्तर है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी के प्रांत बोगेनविले में हाल ही में जनमत संग्रह के लिए मतदान शुरू हो गया है। यह मतदान पापुआ न्यू गिनी के बोनेवाल प्रांत को स्वतंत्र करने के लिए किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जवाब है मेघालय। मेघालय में पेड़ों की लताओं व शाखाओं को मिलाकर लिविंग रूट ब्रिज का उपयोग किया गया है। यह पुल कई पीढ़ियों से लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। इन पुल की लंबाई 15 से 250 फीट के बीच है। इनका निर्माण कई सदियों पहले किया गया था। अब अनुसंधानकर्ता इन पुलों की संरचना पर अध्ययन कर रहे हैं ताकि इससे प्राप्त जानकारी का उपयोग अधिक वास्तुकला से किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 5, किस तेल कंपनी ने लद्दाख के लिए विशेष विंटर ग्रेड ईंधन लॉन्च किया है? तो इसका जवाब है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लद्दाख के लिए विशेष विंटर ग्रेड डीजल लॉन्च किया है। यह विंटर ग्रेड डीजल 33 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी नहीं जमेगा। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रमंडल युवा संसद का आयोजन किस राज्य विधानसभा द्वारा किया जा रहा है? तो इसका जवाब है दिल्ली। दिल्ली विधानसभा द्वारा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रमंडल युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है। इस युवा संसद का आरंभ 25 नवंबर 2019 को हुआ। क्वेश्चन 7, आरएन काओ जेंटल स्पाइस मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जवाब है नितिन गोखले। आर एन कायो जेंटल स्पाई मास्टर पुस्तक के लेखक नितिन गोखले हैं। यह पुस्तक महान स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ कायो के जीवन पर आधारित है। उन्हें RAW का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने राज्य लोक कला परिषद की स्थापना का निर्णय लिया है? तो इसका जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी पारंपरिक लोक कलाओं के संरक्षण के लिए राज्य लोक कला परिषद की स्थापना का निर्णय लिया है। इसके द्वारा राज्य में लोक कलाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। क्वेश्चन 9, 8वें अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका जवाब है इम्फाल। मणिपुर में 8वें अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन इम्फाल में 25 व 22 नवंबर के दौरान किया गया। इसके द्वारा देश में उत्तर पूर्वी भारत के पर्यटन स्थलों के बारे में बताया गया। पिछले वर्ष इसका आयोजन त्रिपुर में किया गया था। तो आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को 2019 वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो इसका जवाब है क्लाइमेट इमरजेंसी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्लाइमेट इमरजेंसी शब्द को 2019 वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो दोस्तों, आज इसी के साथ में हमारा वीडियो यह खत्म होता है। मैंने आपको करंट जीके से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस, उनके आंसर और थोड़ी बहुत डिटेल्स दे दी है। तो अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।